गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। किसके द्वारा यह कहा गया है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। यह कथन कहा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यह फेमस कथन कहा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब देखिए ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया है जिस स्लोगन का नाम है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज से रिलेटेड जो स्लोगन है वो दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट विच एम्प्लाइज कि भारत जो कि गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है, जिसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है गुट निरपेक्षता की नीति क्या होती है कि मान लीजिए जो सबसे शक्तिशाली देश है उन देशों को अगर हम फॉलो करते हैं एक तरीके से, हम जो हैं जो जितने भी पावर्स हैं उनके साथ अगर हम अपनी फ्रेंडशिप करते हैं तो वो कहलाती है अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि भेड़ चाल ना चलना, कि हम जो सुप्रीम पावर्स है उनके पीछे पीछे ना चल के हम खुद की एक आइडेंटिटी अगर बनाते हैं तो वो पॉलिसी कहलाती है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए राइट आंसर जो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी होगा कि न्यूट्रैलिटी टूवर्ड्स पावर ब्लॉक्स, दैट इज शक्ति की और तटस्थता, कि मतलब हम जितने भी पावर ब्लॉक्स हैं शक्तिशाली देश है उनके लिए हम न्यूट्रल रहेंगे, ना ही हम उनको ज्वाइन करेंगे ना ही हम उनके अगेंस्ट रहेंगे, बल्कि हम खुद की एक पहचान बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्पॉट द ऑड आइटम ऑफ द फॉलोइंग कि निम्न में से विषम वस्तु पहचाने। आपको चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें से एक जो टाइप है स्टोन का वो इनमें से डिफरेंट है, तो आपको वो चूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मार्बल। शेल लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ये तीनों एग्जाम्पल है कौन सी चट्टानों के, सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री वो चट्टानें होती हैं जो बड़ी चट्टानों से टूट टूट कर छोटी चट्टानों में बनती है, कंकड़ पत्थर वाली आप कह सकते हैं। लेकिन मार्बल जो है, मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे और बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर का इफेक्ट वहाँ पे होगा तो ये रॉक्स चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, जैसे कि एग्जांपल हुआ मार्बल। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये देखिए आप, शेल इस प्रकार से होती है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये तीनों एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स के, और मार्बल अभी हमने एग्जाम्पल देखा किसका है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, और एक तीसरी टाइप की रॉक और जो होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस रॉक का नाम है इग्नियस रॉक। ठीक है, उस रॉक का नाम क्या है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जब किसी भी ज्वालामुखी में से जब लावा या मैग्मा बाहर आता है तो एक पोजिशन के ऊपर वो लावा ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन रॉक्स को कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो बेसाल्ट जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट एक्यूज टू, रेंट की मॉडर्न थ्योरी के अनुसार किराए में वृद्धि होती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि रेंट के अंदर वृद्धि कब होगी। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो मान लीजिए आप किसी रूम में रहते रेंट पे करके, तो आपके रूम का रेंट कब बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ आपके रूम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके ओनर आपका रेंट बढ़ा दे। ठीक है, मान लीजिए जिस जमीन के ऊपर वो आपका घर बना हुआ है उसका रेंट बढ़ जाए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते एक रूम का रेंट बढ़ सकता है। सेम उसी तरह हम इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं तो रेंट जो है वो किसी भी कारक से बढ़ सकता है, तो एनी फैक्टर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द बुक विच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाय कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के केंद्र में जो पुस्तक वह लिखी गई है, इसका सही आंसर बताना है आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक कमर्शियल लेवल के ऊपर या एक बड़े पैमाने के ऊपर जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जाम्पल समझो, भारत के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जैसे कि रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो, ग्रोथ, ठीक है, हमारी वृद्धि दर कितनी है,
इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो एक नेशनल लेवल पे आप इनको अध्ययन करते हो, तो वो ब्रांच कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के केंद्र में जो पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक लिखी गई है प्रोफेसर जी एम केन्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये आप इसका कवर पेज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, इसके अंदर के इसके अध्ययन में मूलभूत समस्या क्या है। हमने अभी अभी पढ़ा कि जैसे बेरोजगारी की समस्या हुई, ठीक है, और वृद्धि के अंदर ग्रोथ रेट जो होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उसके साथ साथ महंगाई या इन्फ्लेशन में कोई दिक्कत आती है, तो वो सब ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम स्टडी किन किन की करते हैं, अब ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। तो प्रोडक्शन ऑफ इनकम जो है इसका राइट आंसर होगा, कि हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसी से तो हम अपने जीडीपी या ग्रोथ रेट हम निकालते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट इज, कि संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स होते हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसमें से जो 7th शेड्यूल होता है उसके अंदर जो है डिवीजन का पावर दिया गया है। 3 लिस्ट वहां पे मेंशन की गई हैं, एक लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, एक लिस्ट का नाम है सेंटर लिस्ट, और एक लिस्ट का नाम है कनकरंट। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अंदर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार, जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर राज्य सूची के अंदर राज्य का होगा, केंद्र सूची के अंदर केंद्र का होगा, लेकिन कनकरंट जो सूची होती है, या आप कहें तो समवर्ती सूची, वह सूची होती है जिसके अंदर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट, सेंटर कह सकते हो आप या यूनियन कह सकते हो, ठीक है, तो इनकी कुछ, जब संविधान बना था इनके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स रखे गए थे, तो उनके संख्या मैं आपको बता देती हूँ। उनकी संख्या है, यूनियन के अंदर शुरू में 100 टॉपिक्स रखे गए थे, स्टेट के अंदर 61 रखे गए थे, सॉरी एक सेकेंड, मैंने आपको करंट बता दिया है। जब संविधान बना था तो यूनियन के अंदर 97 टॉपिक्स थे, स्टेट के अंदर थे 66 और कनकरंट के अंदर थे 47। फिर बाद में जैसे जैसे भारत में साल बढ़ते गए तो इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। अब यूनियन लिस्ट के अंदर है 100 हैं टॉपिक्स, स्टेट लिस्ट के अंदर है 60 61 है, और समवर्ती सूची के अंदर है 52। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन में पता करना था कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी हाल ही की बात करें तो 97, लेकिन जब संविधान बना था तब कितने थे, 100 थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पॉन्डेचेरी हु ट्राइड टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी। पॉन्डेचेरी का फ्रेंच वह राज्यपाल कौन था जिन्होंने एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में फ्रांसीसी कंपनी बनाने की कोशिश की थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जो है वो पॉन्डेचेरी के गवर्नर थे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि गोवा के ऊपर किसका अधिकार था, तो गोवा के ऊपर अधिकार था पुर्तगालियों का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और पॉन्डिचेरी के ऊपर किसका अधिकार था, फ्रेंच का, और फ्रेंच के गवर्नर कौन थे, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, सबसे शक्तिशाली पेशवा मराठा एम्पायर में कौन था, ये आपसे पूछा गया है, इसके लिए जल्दी से जवाब देते जाइए आप। तो सबसे शक्तिशाली पेशवा थे मराठा एम्पायर में, उनका नाम है बाजीराव वन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इसके लिए। इन्होंने मध्य भारत वाला जो भी एरिया है, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र, साथ के साथ जो राजपुताना वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया, उन सारे एरियाज पे इन्होंने कब्जा किया था, इसलिए कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली पेशवा जो रहे हैं वो बाजीराव फर्स्ट रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है। देखो, लोकतंत्र का उद्देश्य होता है कि भारत लोगों से, लोगों का और लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो लोकतंत्र समाजवाद का मतलब होता है कि लोकतंत्र सरकार और साथ में लोकतंत्र समाजवाद, दोनों चीजें अगर साथ साथ चलती हैं तो वो कहलाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन पे आ जाइए, इसके लिए सही ऑप्शन चूज करना है। इसका सही ऑप्शन है ब्रिंकिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, कि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवाद को लाना। लोकतांत्रिक साधन यहाँ पे क्या हुए,
हमारी गवर्नमेंट। तो हमें एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट स्थापित करनी है जिससे कि समाजवाद को लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला है कि टू पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन, दो पार्टी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है। चार आपको देशों के नाम दिए गए हैं। टू पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा देश जिसके अंदर सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी, दो ही राजनीतिक पार्टियों का प्रभुत्व होता है। जैसे कि भारत में देखो बहुत सारी पार्टी है, कितनी सारी, हर एक राज्य के अंदर 5 से 6 अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जिसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टी हैं, उन्हीं में चुनाव होता है, उन्हीं में से लोग जो है मंत्री बनते हैं। ऐसी पार्टी का जो दो पार्टी है उनका नाम बता देती हूँ आपको। एक हिंट है आपके लिए, तो मुझे आप आंसर करके बताएंगे। तो ये हिंट आपको मैं दे रही हूँ, डेमोक्रेटिक, साथ में एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। आपने शायद न्यूज़ में, करंट अफेयर में कभी इन पार्टीज के नाम सुने होंगे। ये पार्टीज हैं अमेरिका की। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ दो पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कि आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो भारत के हैं उनका नाम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका चुनाव हमेशा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखो जिस सिस्टम के थ्रू उनका चुनाव किया जाता है उस सिस्टम का नाम है कोलेजियम सिस्टम। क्या नाम है, कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है। अभी जो लोकसभा के स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। स्पीकर का चुनाव किया जाता है वहां के हाउस के अंदर ही, लोकसभा के अंदर भी जितने मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी को स्पीकर बनाया जाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वाइस प्रेसिडेंट। हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोल्ड फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑन द एम्प्टी स्टमक, कि खाली पेट के श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं। तो आप ये डायग्राम से समझिए, ये स्टमक का डायग्राम है, इसके अंदर आप ये वाला पार्ट देखिए जो आप पे छोटे छोटे रिजेस दिख रहे हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है रग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुर्रियाँ। तो झुर्रियाँ जो है वो स्टमक के अंदर क्यों पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टमक के अंदर बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। मान लीजिए किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग आपकी हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है बड़ा हो गया या फूल गया है। तो वो जो पेट का बड़ा होना या फूलना जो होता है ना आपके नॉर्मल साइज से, वो किसकी वजह से होता है, इनकी वजह से होता है, रक्त की वजह से होता है। ये क्या करते हैं, स्टमक को एक्सपेंड करने के अंदर हेल्प करते हैं। कि आपने किसी दिन दो रोटी की जगह चार रोटी अगर खा ली है तो आपका पेट जो है साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो होता है इनकी वजह से। ठीक है, इनका फंक्शन आपको समझ में आ गया। आप देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में वो आता है, स्टमक के अंदर पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, ऑप्शंस में देखो विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है। विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और विलाई क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं किसका, जो जो भोजन जो है जिसका पाचन हो चुका है उसमें से अगर कुछ ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें लेनी होंगी तो वो उनका एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है, जो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एरियोल क्या होते हैं, जो वीमेंस के अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो निप्पल्स के साइड वाला एरिया होता है जो काफ़ी डार्क होता है, ब्लैक इन कलर होता है, वहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है एरियोल टिश्यू। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए बच गया हमारा, टिफ्लोसोल क्या होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली परत होती है इनर लाइन, वो कहलाती है टिफ्लोसोल। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ पे हमारा एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767-69 केम टू एन एंड बाय द, पहला मैसूर युद्ध हुआ था। देखो मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है 1767 के अंदर। इस युद्ध के अंदर जो साम्राज्य था मैसूर का वो, और साथ में ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चार युद्ध लड़े गए थे, जैसे कि युद्ध पहला, युद्ध दूसरा, तृतीय और चतुर्थ, चार युद्ध लड़े गए थे। उसके अंदर
पहले युद्ध के बारे में आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पहला युद्ध जो लड़ा गया था उसके अंदर जब वो खत्म हुआ था कौन सा समझौता हुआ, कौन सी संधि जो है इनके बीच में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रीटी ऑफ मद्रास। देखो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि युद्ध कब लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड बस ये आता है कि यह युद्ध शुरू कब हुआ। एक तो शुरू हुआ 1767 के अंदर, ये बात आपको क्लियर है। दूसरा, चार युद्ध हुए थे, हर युद्ध के अंदर अलग अलग संधि हुई थी, ठीक है। तो वो जो संधियां इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले कि आपको पता लग गया है मद्रास, तो सेकेंड युद्ध हुआ था, जो सेकेंड वॉर हुआ था उसमें जो संधि हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले जो है ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, जब फ्रांस और स्पेन के बीच में युद्ध हुआ था तब उनके बीच में ये संधि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आपको क्लियर है सारी चीजें, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास एन एक्ट इन 1773 AD नोन एज द, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और 1773 के अंदर एक अधिनियम पारित किया जिसको क्या कहा जाता है। उस अधिनियम का नाम याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद एक अधिनियम पारित होता है उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था 1784 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर गोर इन दी बैटल ऑफ, शेरशाह ने हुमायूं को हराकर गोर की लड़ाई में कब्जा किया। कौन सी लड़ाई ऐसी हुई थी हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले काल आता है तो शेरशाह सूरी और हुमायूं, हुमायूं जो थे वो मुगल शासक थे। कौन से नंबर के मुगल शासक थे? बी से बाबर, एच से हुमायूं। तो दूसरे नंबर के जो मुगल शासक थे उनका नाम था हुमायूं। उनकी एक लड़ाई होती है 1539 के अंदर जिसका नाम है बैटल ऑफ चोसा। चोसा के अंदर एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, वोन इनकी ये जो है विजेता रहते हैं। इस बैटल के बाद हुमायूं जो है वो भाग जाते हैं भारत छोड़ के और सुर एम्पायर की स्थापना हो जाती है दिल्ली के अंदर, ठीक है। सुर एम्पायर को शुरू करने वाले कौन है? शेरशाह सूरी, ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। अब देखो पानीपत की पहली बैटल 1526 के अंदर पानीपत की फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी, किस किस के बीच में? बाबर के बीच में वर्सेस लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब बात करते हैं खानवा, खानवा की लड़ाई कहाँ पे देखने को मिलती है? खानवा की लड़ाई होती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के एक अंदर एक जिला है जिसका नाम है भरतपुर। ये लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में, बाबर वर्सेस राजपूतों के बीच में हुई, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट लड़ाई और रह गई, घग्गर की लड़ाई, ये लड़ाई हुई थी 1529 के बीच में, ठीक है। क्लियर है आपको? चारों लड़ाइयाँ काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो लड़ाइयाँ हैं क्लियर हो गई होंगी। और जो पानीपत की पहली बैटल आप देख रहे हैं 1526 में, इसी के साथ भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंग द फॉलोइंग सॉइल, इनमें से सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए। सबसे इनफर्टाइल मिट्टी है लैटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। क्योंकि ये मिट्टी के अंदर कैसे बनती है, बड़ी चट्टानों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो सॉइल कहलाती है लैटेराइट सॉइल। इसमें कंकड़ पत्थर काफी होते हैं तो ये जो होती है फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अनुपजाऊ होती है इन तीनों के कंपेरिजन। बाकी ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल जो है ये काफी उपजाऊ होती है। ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इफ द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सप्लाई कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, इसका आंसर होगा इक्वल टू यूनिटी। अगर सप्लाई कर्व हमेशा अगर फ्लैट हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के बराबर है। समझ में आ गई बात? ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में वनस्पति की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रेगिस्तान के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे फसलें नहीं उग पाती हैं या पेड़ जो है वहाँ पे नहीं उगाए जाते हैं? इसका सबसे अच्छा रीजन, सबसे आसान रीजन है कि वहाँ पे लैक ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी होती है, वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है रेगिस्तान के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको इनमें से जो पेयर्स हैं उनको पहचानना है, ठीक है। खद्दर, पॉडजोल, चेस्टनट, बांगर, इसके लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, खादर जो होता है वो जोनल सॉइल नहीं है, वो एक एजोनल सॉइल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा सही आंसर है इसका। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ सिरोको स्टॉर्म। सिरोको तूफान की सही दिशा बतानी है। सिरोको जो तूफान है वो अफ्रीका से शुरू होता है, अफ्रीका से शुरू होके वो जाता है यूरोप की तरफ, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका से शुरू होता है और मेडिटेरेनियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ वो है शिफ्ट हो जाता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। और जो सहारा क्या है, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर, सबसे बड़ा डेजर्ट, मतलब पूरे विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर। निम्न में से कौन एक अजैव कारक है? अजैव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन नहीं होता, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि माइट्स, कण, ये होता है, लाइफ होती है इनके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर भी लाइफ होती है, रोडेंट्स के अंदर भी लाइफ होती है, लेकिन मॉइस्चर के अंदर कोई जीवन नहीं होता। मॉइस्चर के साथ साथ एग्जाम्पल होगा लाइट का, विंड का, हवाएं, साथ में टेम्परेचर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एबायोटिक के फैक्टर के। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज। कई घास की पत्तियां तह करने में सक्षम है क्योंकि, देखो कुछ पत्तियां जो है वो मुड़ जाती हैं। आपने लीव्स का हमेशा ऐसा डायग्राम देखा, हम बचपन से ही लीव्स को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कुछ लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स इस तरीके से मुड़ जाती है, आपने किसी पौधे के अंदर देखा होगा लीव्स ऐसे मुड़ जाती है, छोटी सी लीफ होती है, वो किसकी वजह से होता है? इनके अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल क्या करती है, इनको मुड़ने के अंदर मदद करती है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दे हैव बुलिफॉर्म सेल्स। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, आपको याद रखना है कि इनके अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है बुलिफॉर्म प्रपत्र कोशिकाएं, उसके वो जिम्मेदार होती है इन सब के लिए। ये जो है लीफ की ऊपर वाली लेयर में पाई जाती है, सबसे अपर लेयर जो होती है उसके अंदर पाई जाती है। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ, प्लूरा जो होता है वो किसकी एक लेयर होती है? प्लूरा लेयर होती है फेफड़ों की, लंग की। प्लूरा जो लेयर होती है वो फेफड़ों को एक लेयर बनाती है, कवरिंग सी बना के उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, ये आप फोटो के अंदर देख सकते हैं। ये प्लूरा लेयर आपको, ये बाहर वाली लेयर जो होती है लंग्स के, इनके जो बाहर वाली ये वाली लेयर जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये कहलाती है प्लूरा, जो लंग्स को डैमेज होने से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो बेबीज नहीं देता है बल्कि एग्स देता है? स्लोथ, बियर, हमेशा बच्चे, बियर जो भालू के हमेशा बच्चे होते हैं, एग्स नहीं होते। कंगारू भी जो है वो एक एनिमल को जन्म देता है। बैंडीकूट एक प्रकार का चूहा, चूहा भी आपको पता है अंडे नहीं देता है, लेकिन डक, बतख जो होता है वो अंडे देता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडरेटर यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, इसका सही जवाब बताइए, कौन सा मॉडरेटर यूज होता है? मॉडरेटर वो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड को, जो गति होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसको संभाल के रखता है, मेंटेन करके रखता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो स्टेबल होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी उस पर काफी कम होता है, तो नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, आप सभी के लिए जवाब है, आपने सूर्य ग्रहण जरूर देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, इसका आंसर होगा मून कम्स बिटवीन द सन। यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे अर्थ है,
इनके बीच में अगर मून आ जाता है तो आप इसको कहोगे सोलर इक्लिप्स, ठीक है, या सूर्य ग्रहण इसको कहोगे। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। आप पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण, तो लूनार इक्लिप्स क्या होता है? जब पृथ्वी की, मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के पीछे आ जाता है, पृथ्वी की जो परछाई होती है वो चंद्रमा के ऊपर गिरती है, तो ये आपका मून है। उस वक्त हमें देखने को मिलता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब ये तीनों एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सोलर इक्लिप्स किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मून जब बीच में आ जाता है पृथ्वी के और सूर्य के बीच में, तो हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। अगला है, एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक इज कॉल्ड। डेटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का एक पहलू होता है, इसका मतलब होता है बफरिंग। बफरिंग आपने देखा होगा काफी बार वीडियोस में, इवन हमारी क्लास की वीडियोस में भी काफी बार बफरिंग होती है, तो वही कहलाता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक, ठीक है। अगला है कि व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट वाला जो काम होता है, आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई भी की टाइप करते हैं, उसका आपको एक आउटपुट मिलता है, तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है बायोस, ठीक है। डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को सौर ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर एनर्जी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, उसको अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बदलना है डायरेक्ट, तो आप वहां पे यूज करते हो फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। फोटो का मतलब ये होता है लाइट, वोल्टेज का जब उसमें करंट आता है, तो फोटोवोल्टेइक सेल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस होती हैं। ये आप देख सकते हैं, आपने सोलार सेल्स जरूर देखी होंगी, ठीक है। टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन फ्रॉग, मेंढक के अंदर कौन सी किडनी मौजूद होती है ये बताना है। ये देखिए डायग्राम के थ्रू, ये तीन टाइप की किडनीज पाई जाती है, प्रो नेफ्रोज, मीजो नेफ्रोज और मेटा नेफ्रोज। इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, फंक्शन सेम होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, आपको बस वो याद रखना है कि कौन से एनिमल्स के अंदर इस प्रकार की किडनीज पाई जाती हैं। तो आइए उनके एग्जाम्पल्स याद रखते हैं। मीजो नेफ्रोज किडनीज पाई जाती है फिश के अंदर और जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर। अब बात करते हैं मीजो नेफ्रोज की, सॉरी हाँ, मेटा नेफ्रोज की। मेटा नेफ्रोज किडनी पाई जाती है रेप्टाइल्स के अंदर, पक्षियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर और साथ साथ में मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो आंसर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रोग, फ्रोग क्या है, हम सभी को पता है एम्फीबियंस है। अभी अभी हमने देखा एम्फीबियंस के अंदर जो किडनीज पाई जाती है उनका नाम होता है मीजो नेफ्रोज। अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, एक घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को किस रूप में जाना जाता है? तो एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है पल्सर। ये आपको शब्द याद रखना है, पल्सर जो है एक घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को, चमकते हुए को कहा जाता है, पल्सर वर्ड वहां पे दिया जाता है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है ये आपको बताना है, ठीक है जी। आंसर कीजिए, इसके लिए यूज होगा, लाइट ईयर एक टर्म होती है जो यूज की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए। जैसे आपको यहाँ से पृथ्वी का डिस्टेंस मापना है, सॉरी चांद का, मार्स का मापना है, तो उसके लिए आप जो यूनिट यूज करते हो वो कहलाती है लाइट ईयर। ये यूज होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। करंट को मापने के लिए आप सभी को पता है एम्पियर यूनिट होती है। अगला देखो, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कॉमन नेम क्या है? POP, POP आपने देखा होगा, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, आपको एक सफ़ेद रंग की वहाँ पे POP लगाते हैं, ताकि आपकी हड्डियाँ जो टूट गई हैं वो इतना टाइट होता है कि आपकी हड्डियाँ दोबारा से जुड़ जाती हैं। POP के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4½H2O, ठीक है, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, इन आवर कंट्री द वन महोत्सव डे इज ऑब्जर्व ऑन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई जो है वो राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत की गई थी 1950 के अंदर, जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि मंत्री थे KM मुंशी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, KM मुंशी के द्वारा, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे।
मेडिसिन ऑफ क्यूनीन इज प्रोवाइडेड बाय, क्यूनीन की चिकित्सा किसके द्वारा प्रदान की गई? क्यूनीन जो होता है वो क्या होता है? ये मलेरिया, जो मलेरिया बीमारी होती है उसको ठीक करता है, ठीक है। और यह मेडिसिन पाई जाती है सिंकोना प्लांट से। सिंकोना प्लांट के कौन से पार्ट से? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो बार्क होती है, छाल होती है, उससे इस जो ये मेडिसिन है उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिंकोना का वृक्ष है, कभी आपने देखा हो तो। अगला है द एपरेटस यूज टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। आपको इनमें से किसी भी तंत्र जलीय समाधान की अम्लता का परीक्षण करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एसिडिटी को हमेशा मेजर किया जाता है। एसिड और बेस का कैसे पता लगाते हैं? पीएच स्केल याद है, जो मैंने पीएच स्केल करवाई थी आपको, 1 से लेके 10 तक हम पीएच स्केल करते हैं। 1 से 7 तक होता है एसिड, 7 से 10 या 7 से 14 तक होता है बेस, ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसे कहा जाता है पीएच मीटर या पीएच स्केल भी आप कह सकते हो, पीएच स्केल। एमीमीटर यूज किसके लिए होता है? हाइग्रोमीटर यूज होता है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? ह्यूमिडिटी को। और एमीमीटर यूज होता है करंट को मापने के लिए, ठीक है। अगला देखो, हट्टी गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। हड्डी जो हट्टी गोल्ड माइंस है ये कहाँ पे स्थित है? हट्टी गोल्ड माइंस पूरे एशिया की सबसे पुरानी मेटल माइंस है और ये स्थित है कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसका नाम है रायचूर। रायचूर जिले के अंदर ये स्थित है। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में किसने पेश किया था? तो भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्टेड करने वाले हैं, ये की गई थी 1835 के अंदर। एक एक्ट पास किया गया था, जो किया गया था लॉर्ड मैकुले के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन कब मौजूद थे? 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था, उस वक्त लॉर्ड कर्जन वहां पे मौजूद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस। आपको उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं। तो जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वैसे ही पौधों के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है पोलिनेशन। पोलिनेशन किसकी सहायता से होता है? पोलन ग्रेन्स की सहायता से, ठीक है। कोई एक पौधा है ए और दूसरा पौधा है मान लीजिए बी, तो एक मेल है ये फीमेल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। उसके जब ट्रांसफर होता है तब ये जाके इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टीवेबल एरिया। कौन सी नदी सबसे बड़े खेती योग्य क्षेत्र में कार्य करती है? जल्दी से आंसर कीजिए। उस नदी का नाम आपको बताना है, वो है गंगा। गंगा आप सभी को पता होगा, गंगा नदी जो है वो राइट आंसर होगा इसका। टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज इन। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से इनमें से कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग जो है वो अटलांटिक ओशियन है। ये देखिए फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है जो मैंने राउंड किया है। कितने सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गोल्ड का, पेपर का, मीट, फिश, फ्लोर, गुड सर्विस गुड्स, टेक्सटाइल, फर्नीचर, ये सारी चीजें यहाँ पे अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच वाले रीजन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, और उन महिला का नाम है सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। कौन से साल में थी? 1963 से लेके 1967 के बीच में। और ये कौन सी पार्टी से थी? कांग्रेस से। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट इनटू 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में कब विघटित किया गया था? तो सोवियत संघ किया गया था 1991 के अंदर। क्या याद रखोगे? 1991 जो है वो सही आंसर होगा। अ यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। आपसे ये पूछा गया है कि एक इकाई मूल्य लोचदार मांग वक्र स्पर्श करेगा, न तो कीमत अक्ष और ना ही मात्रा अक्ष। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा, इज द राइट आंसर।
अगला देखो, द कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, आंखों का रंग वर्णक पर निर्भर करता है जो मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो कैसे समझोगे इसको, अगर आपकी आंखों के अंदर कितनी रोशनी जाएगी, ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगता है आयरिस की वजह से। आयरिस जो है वो क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर कितनी रोशनी जाएगी उससे उसको कंट्रोल करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि आंखों का जो रंग भी होता है वो हमारा किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आयरिस के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। रोड और कॉर्न सेल्स क्या होती है, ये आंखों के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। रोड सेल्स कब एक्टिवेट होती है, जब आप कोई डिम लाइट में पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए किसी डिम लाइट में आप हैं, तो उस समय आपकी आंखों में जो कोशिकाएं काम करती हैं वो कहलाती है रोड सेल्स। और आप अगर बहुत तेज रोशनी में काम कर रहे हैं, ब्राइट लाइट में, तो आपकी आंखों में जो सेल्स एक्टिवेट होती है वो कहलाती है कॉर्न सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय प्रोसेस ऑफ, समुद्र का पानी किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। समुद्र का पानी शुद्ध किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, आंशिक आसवन से। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन, निम्नलिखित में से कौन से जो है वो एक टीका नहीं है, ये आपको बताना है। बीसीजी जो है वो एक वैक्सीन है, ये काम में ली जाती है जब किसी को टीबी हो जाती है, वहां पे उसको ये टीका लगाया जाता है। एंटी रेबीज, जब कोई कुत्ता आपको बाइट कर लेता है तो वहां पे डॉग बाइट के टाइम पे रेबीज होने का, रेबीज एक बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होती है, कुत्ते की लार से जो आपके शरीर में फैलती है उससे रेबीज हो जाती है। तो एंटी रेबीज दी जाती है जब कोई कुत्ता आपको काट लेता है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन आप समझते हैं, बचपन में हमें जो दो बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी वो पोलियो वैक्सीन। प्रोजेस्टिरोन जो है वो एक वैक्सीन नहीं है, ये क्या है, ये एक फीमेल हार्मोन है। ये हार्मोन जो है महिलाओं के अंदर पाया जाता है और महिलाओं का विकास करने में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगला देखो, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर, कि व्हाइट फॉस्फोरस किसके अंदर रखा जाता है, हमेशा याद रखना पानी के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं ये व्हाइट फॉस्फोरस है, काफी सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको पानी के अंदर हमेशा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रीड ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो गुजरात का जो साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट होता है वहां पे जो नस्ल पाई जाती है वो है सूरती। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, सूरती जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। या आज के इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने जो किए हैं, जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इनको वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए इन क्वेश्चंस को, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा कि आज के पूरे सेशन में आपने कितना स्कोर किया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आप जो है कल फिर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपके 50 में से 50 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होंगे। तो वेट करते हैं उस दिन का, आज सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।